Hi, welcome to my channel Explore with Roaming Family. Friends, आज इस वीडियो में मैं आपको जिस्पा, जो कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल में स्थित एक छोटा सा गांव है, उसका ग्लिम्स दूंगी। देन जिस्पा टू मनाली सफर कराऊंगी। लद्दाख टूर में ले से हम डायरेक्ट जिस्पा आके रुके थे कर्मा कॉटेज रिजॉर्ट में। इस जर्नी का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छा तो नहीं है, नॉट सो बैड ऑल्सो। एक्चुअली हम वन डे पहले इसे बुक किए क्योंकि दूसरे होटल में हमें एक भी रूम अवेलेबल नहीं मिला। इफ यू कम विथ योर फैमिली देन कैन स्टे इन कॉटेजेस, बट टेंट्स आर नॉट एडवाइजेबल। इस प्रॉपर्टी का सबसे अच्छी बात यह है कि सराउंडिंग सीनिक ब्यूटी इज जस्ट अमेजिंग। और ये जो रास्ता है, यहाँ से निकलते ही हमें दिख जाएगी वागा रिवर, एकदम होटल के पास ही है। हम ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े वागा रिवर को एक्सप्लोर करने के लिए। टहलते हुए चलिए रिवर के पास चलते हैं। चारों तरफ हिल्स एंड बीच में रिवर, सच में आपको खुद आके देखना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर आप देख पा रही हो। ये जो स्नोई माउंटेन है, दैट इज बराला जलापात। कल हम उसको क्रॉस करके वहाँ से आए हैं। ऊपर बाय बाय लद्दाख वाला वीडियो में आपको बराला जलापात दिख जाएगी। और बिल्कुल रिवर के पास ही आप गाड़ी लेके भी आ सकते हो। काफ़ी सारे रिवर कैंप में तो लोग गाड़ी लाके पिकनिक मना रहे हैं। अब शुरू हो गए नातिन और दादू का अपना मस्ती टाइम। हर जगह में दादू यानी मेरे पापा को दौड़ कराते हैं और मेरी बेटी उनका वीडियो उठाते रहती है। पेंगोंग लेक, जहाँ पे सांस लेना भी दिक्कत है, वहाँ पे भी पापा दौड़ रहे थे और मेरे बेटी उनका वीडियो लेने में बिजी थे। ऐसे चलते हैं इन लोगों का मस्ती। Anyway, if you stay in Jispa, you can visit Barala Jalapas, Suraj Tal, Deepak Tal and Dalai Lama Monastery. ये कुछ अच्छे होटल है जहाँ पे आप रुक सकते हो। अब ही जिस्पा को बाय बाय बोलने के टाइम आ गए, हम मनाली के लिए निकल पड़े। साथ में चल रहा है वागा रिवर। आप मनाली टूर करके भी जिस्पा आके रुक सकते हो। आजकल अटल टनल हो जाने के बाद ब्यूटीफुल जिस्पा को आप एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए, दे आर लाइफ स्टॉक गार्जियन डॉग्स। ये सब ग्रुप ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ रहते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंजॉय कीजिए फ्लॉक ऑफ शिप, जिसमें आपको कश्मीरा गोट देन शेतुच गोट सब कुछ दिख जाएगा, जहाँ से हमें पश्मीना ऊल, शेतुच ये सब मिलते हैं। ये ब्यूटीफुल व्यू हमें देखने के लिए रास्ते में मिला। अब देखिए सारे हिमाचलियन लद्दाखी शिप, एंजॉय कीजिए।
हम खड़े होकर इसको एंजॉय करते रहे। अब हम क्रॉस करेंगे तांडी ब्रिज इन तांडी विलेज। यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। तांडी विलेज के बाद आएंगे केलंग विलेज। केलंग में भी आके आप नाइट स्टे कर सकते हो। केलंग में काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। हम केलंग को क्रॉस करके आगे निकल गए और अब हम एंट्री करेंगे शिशु विलेज। ये जगह का व्यू ऑटम सीजन में एकदम डिफरेंट। लीव्स टर्न येलो एंड रेड। उस समय आप जरूर आइए और इसका अमेजिंग व्यू एंजॉय कीजिए। खैर, अब समर में हमें ग्रीनिश व्यू दिख रहा है। और साथ में दिखने के लिए मिला शिशु वाटरफॉल। इसके पास से हम लोग चलेंगे अभी। सामर में आपको चारों तरफ कुछ वाटरफॉल दिखने के लिए मिलेंगे। दिस इज शिशु वाटरफॉल। अब हम पहुंचने वाले हैं अटल टनल, जो आजकल मनाली घूमने आने वालों के लिए एकदम फेमस स्पॉट है। और बीआरओ ने इतने अच्छे रोड बनाए, क्या बताऊँ आपको। ये प्लेस काफ़ी हैपनिंग है। यहाँ पे आप खड़े होके चारों तरफ का व्यू एंजॉय कर सकते हो एंड साथ में फोटोशूट तो है ही। बहुत ही सुंदर जगह है। ऑल ब्लॉगर्स आर बिजी टू शूट देयर वीडियोस। इसको क्रॉस, यह है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। हम अभी खड़े हैं और तो अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल में। इसको क्रॉस करके हम उधर मनाली की तरफ चले जाएंगे। आप एंट्री हो गए अटल टनल में। इसका राइड आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय द राइड ऑफ अटल टनल। किलोमीटर इन लेंथ। इट इज इन लेह मनाली हाईवे। टनल क्रॉस करके सोलांग वैली को क्रॉस करके सोलांग रोड से ही हम मनाली पहुंच जाएंगे। काफी लंबा है। आप मनाली आके भी अटल टनल तक आ सकते हो। अब हम पहुंचेंगे, अटल टनल से निकलने वाले हैं और साउथ पोर्टल के तरफ निकलेंगे। हम पहुंच गए मनाली और लंच के लिए रुके हैं शहरी पंजाब में। साथ में है बियास रिवर। ये देखिए बियास रिवर। जिस पार टू मनाली का डिस्टेंस है 92 किलोमीटर, बट हम रुक रुक के व्यूज का एंजॉय करते हुए आए, इसीलिए हमारे टाइम लग गए 3 to 4 आवर्स।
आज का जर्नी इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हो ये तो फ्री है। एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल।